कहाँ से हो भाई आप सब लोग? मैं चेन्नई से हूँ। चेन्नई से? हाँ। अरे भाई सही है, साउथ वालों से तो पहले से मुझे प्यार है। और हेलो कशी आर्मी भाई, कैसे हो सब लोग? हाँ जी, चलो निकलते हैं यहाँ से पहले, और रूट में आपको बताते हैं। जैसा कि हम अभी अभी शो कर चुके हैं आपको एक छोटा सा इंट्रो उस जगह का, आज मैं जा रहा हूँ कुंडी धोध। कुंडी धोध बेसिकली पड़ता है माता नंबर से करीब 30 किलोमीटर के अंतर पर। और एक और चीज़ बता दें, ये वाला रूट आपको पड़ेगा दयाबर से नरा वाले रूट पे है, लेकिन रूट जो है रोड काफ़ी ख़राब हो रखे भाई, और ये क्या एक्सेप्ट नहीं किया था इतनी पब्लिक होगी। ये सब बाहर की पब्लिक है, आउट ऑफ कच से आ रहे हैं कुछ लोग, और ज़्यादातर महिलाएं हैं। बहुत सारी फोर व्हील्स पड़ी हुई थी वहाँ पर पार्किंग में, मुझे नहीं लगता यहाँ पर को होना चाहिए था, लेकिन अभी सीज़न है सातम अठम का, तो जन्माष्टमी के टाइम पर। अरे ये क्या छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आते हैं वाटरफॉल में। वैसे ये वाटरफॉल काफ़ी बड़ा है, तो जब भी कोई जाए ध्यान से जाए, ठीक है। और गूगल मैप ने तो यार मेरे को धोखा दे दिया था, पता नहीं कहाँ दिखा रहा था और कहाँ निकले हम, लगता है यही रास्ता है। चलो मोड़ते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या होता है। लग तो यही रहा है, लेकिन रास्ता थोड़ा बहुत कच्चा है, लेकिन चलता है भाई। अभी बहुत टाइम से मोटर व्लॉगिंग भी नहीं की, और ऑफ रोडिंग किए तो भाई एक अरसा हो गया। ग्रीनरी देखिए आप सिर्फ, और यहाँ पर सभी जगह महिलाएं दिख रही है मेरे को, ज़्यादातर तो लेडीज़ें यहाँ रखी है ऐसी जगहों पर, और फैमिली वाले हैं सभी। वैसे फैमिली वालों का सही है, त्यौहार का टाइम पर सभी फ्री होते हैं तो जाते हैं, लेकिन हम तो मोटर व्लॉगिंग और ट्रैवलिंग के लिए हमेशा फ्री रहते हैं। हाँ तो पॉइंट से भटक गए, आते हैं पॉइंट पे। मैं जा रहा हूँ इस वक्त कुंडी, अरे कल क्या कर रहे हो? हाँ तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त कुंडी धोध, जो कि कच्छ में सबसे बड़ा वाटरफॉल जिसे कहते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलो यार, अभी मोटर व्लॉगिंग जैसा रास्ता ही नहीं है, जल्दी से पहुँचते वहाँ। हाँ तो कच्छ यार में जैसे कि आपने देखी खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग, मैंने सोचा था कि यहाँ पर कोई नहीं होगा, लेकिन उससे कुछ उल्टा हुआ, रील वर्सेस रियलिटी वाला कुछ सीन हो गया, और यहाँ पर काफ़ी सारी बाहर की पब्लिक है भाई। मैं इतना हैरान कभी नहीं हुआ, और ये मेरे पीछे जो दोस्त खींच रहे हैं उनका भी वीडियो लेते हैं। और कहाँ से हो भाई आप सब लोग? मैं चेन्नई से हूँ। चेन्नई से? हाँ। अरे भाई सही है, साउथ वालों से तो पहले से मुझे प्यार है। और आप कहाँ से हो? चेन्नई। सब चेन्नई से हो? नहीं, गुजरात से, इधर कच्छ के ही है हम तो। कच्छ के? अरे आऊं बेटे ते जज भाई, वो आऊं एता नो अच्छी ट्रैवलर वो केड़ा लोग मेरे बाहर जी पब्लिक कहते गांव वर ना है पुजिया ने मेरे गांव जाई जी। हां तो इन भाइयों के लिए एक लाइक जरूर कर दे, ठीक है। चलो आपको दिखा दे अंदर की कुछ सीन।
थे खूबसूरत नज़ारे अपने कुंडी दोत के। प्लान तो था जल्दी जाने का, लेकिन मेरे से पहले मेरे खुद के दोस्त एक SP स्पेशल जिसका चैनल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उन्होंने जाके ब्लॉग बना लिया और मेरे अरमान जो है इसी झरने के साथ बह गए। लेकिन फिर भी यार कोशिश करके आए और थोड़े बहुत सीन ले लिए हैं अंदर के, और गनीमत है कि इस बार GoPro लेके आए हैं, वरना तो हालत भी पतली होने वाली थी। फिर भी काफ़ी मस्त वाले सीन आ रखे हैं, और अगर वीडियो आपने एंजॉय किया हो, ये जगह आना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन एक और बात बता दें कि रास्ता काफ़ी मुश्किल है भाई, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक वाला रास्ता है। तो अगर आ सके तो ऑफ रोडिंग वाली बाइक लेके आएँ, या फिर कोई भी अच्छी खासी फोर व्हीलर लेके आएँ। इस बार मुझे बाहर की पब्लिक ज़्यादा देखने को मिली है, आमतौर पर मुझे लगता था कि कच की ही पब्लिक होगी, लेकिन नहीं, उल्टा था, उल्टा पुल्टा काम कर कुछ। लेकिन फिर भी ब्लॉग आ चुका है संडे को, चाहिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा ऐसे ब्लॉग देखने के लिए जल्दी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ट्रैवलर वीजा, लिंक उसकी भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलो यारो कशी आर्मी, इतना आज के लिए बहुत हो गया, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नहीं नहीं रुको, अपने स्टाइल में बोलता हूँ कुछ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।